हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे आप सबका। तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही टेस्टी सब्जी लेके आई हूँ, बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी, बिल्कुल हवा स्टाइल पनीर की सब्जी बनाऊंगी। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। आपको जितना बड़ा क्यूब्स रखना है उस हिसाब से रखेंगे आप। यहाँ मैंने ले लिया है एक टमाटो, पका हुआ, अच्छा सा पका हुआ टमाटो लेना है। और यहाँ ले लिया है मैंने हरी मिर्च काट लिया है, और दो प्याज काट लिया है, और एक पूरा लहसुन का जो कली आता है वो पूरा ही मैं कट कर लिया है। यहाँ देखिए देखिए फ्रेंड, कढ़ाई अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल में यूज़ करती हूँ, आपको जो बढ़िया लगे, रिफाइंड ऑयल जो भी ऑयल खाती हैं उससे आप बना सकती हैं। यहाँ ये तेल गर्म हो चुका है, यहाँ मैं सारे पनीर को फ्राई करूँगी। यहाँ से सारे पनीर को मैं फ्राई कर दूंगी, थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगा पनीर में, सब निकालेंगे, हल्का हल्का सब दाग सब पड़ जाएगा, जैसे कि इसमें हो गया है इस तरीके से। उसके बाद उसको निकालेंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे प्लीज़ फ्रेंड। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, आप एक सब्सक्रिप्शन से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। प्लीज़ फ्रेंड, बहुत ही मैं अच्छे अच्छे रेसिपी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, आप बोर नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छी रेसिपी और बहुत इजी तरीके से बता के दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए और वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पनीर फ्राई हो गया है। इतनी ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं करेंगे वरना बिल्कुल टाइट सा हो जाएगा। अब इसको आप हम लोग वापस से निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा पनीर जो है फ्राई हो चुका है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये पनीर, ये मैं अक्सर बनाया करती हूँ, और ये बच्चे बड़े सबको पसंद आते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं फ्राई। आपको मैंने सब्जी यहाँ सॉरी प्याज लहसुन को पहले से काट के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये देखिए, अब उसी तेल में हम डाल देंगे जीरा, और डाल देंगे इसमें लहसुन कटा हुआ, थोड़ा सा भुनेंगे हल्का सा। अब डाल देंगे इसमें ये हमारा प्याज और ये हरी मिर्च, ये झटपट से आप बना के लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, टिफिन में तुरंत बन जाता है। ये देखिए, अब इसको प्याज को थोड़ा गलने देंगे और थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा, तब इसमें डालेंगे हम लोग मसाले। देखिए फ्रेंड, जब तक हमारा प्याज गल रहा है तब तक हम मसाला एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, क्या क्या डालेंगे इसमें। तो ये रहा हमारा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे। अब डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर इतना सा, और डालेंगे मिर्ची का पाउडर, जितना तीखा खाना पसंद करती है उतना डालिए। मैंने यहाँ डाला है मिर्ची का थोड़ा सा पाउडर, और प्याज में डाला है दो हरी मिर्च। मिर्च हमारी उतनी तीखी नहीं है तो मैंने दो डाला है, आपका अगर मिर्च ज़्यादा तीखा है तो आप कम ही यूज़ करें। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसको थोड़ा सा गलने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे नमक इस प्याज में, स्वाद अनुसार नमक, पनीर में थोड़ा सा नमक कम ही रखें। अब अच्छे से चला देंगे हम लोग इसको। मसाले में डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा ये गरम मसाला, बस इतना ही मसाला डालना है। इसको हम लोग पानी से थोड़ा घोल लेंगे। सूखा मसाला डालने से क्या होगा फ्रेंड कि जल जाएगा, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको पानी से घोल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा भून चुका है अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड, प्याज हमारा हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें हम लोग टमाटर, और अब टमाटर गलने देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे जो हमारा मसाला हम लोग रेडी किया है कटोरे में, वो डाल देंगे इसमें। अभी थोड़ा सा इसमें गलने देंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड, टमाटर बिल्कुल गल रहा है अच्छे से। जब तक टमाटर गल रहा है हमारा, तब तक मैंने यहाँ ले लिया है दो चम्मच के करीब, देखिए दही ले लिया है मैंने दो चम्मच के करीब। अब इसको भी अच्छे से हम लोग फेंट देंगे। दही डालने से बिल्कुल क्रीमीनेस आएगा और थिकनेस आएगा, और टेस्ट जो है दुगुना हो जाएगा इस पनीर का,
बहुत टेस्टी लगेगा। इसके लिए आपको कोई काजू या छाली जैसे दूध की होती है क्रीम मलाई वो सब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप बस 2 चम्मच डालें। हाँ फ्रेंड, बस दही ज़्यादा खट्टी ना हो, बिल्कुल ताजी जमी हुई दही होनी चाहिए। अगर आपके पास दही है तो डालें, वरना आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा अच्छे से फेंक चुका है दही। ये देखिए फ्रेंड, टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है और हम लोग डाल देंगे इसमें ये गुलाब मसाला ये अच्छे से और इसको चलाएंगे। 5-6 मिनट के बाद ये हमारा मसाला बिल्कुल पक जाएगा, क्योंकि ड्राई मसाला पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, इसको आप फ्रेंड पूरी, पराठे, चावल, पुलाव किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है और अच्छा ही बनेगा। ये देखिए फिर हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें आप डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब ये हो चुका है, अब यहाँ डाल देंगे हम लोग ये दही, जो हम लोगों ने दही छोड़ी थी वो दही को यहाँ डाल देंगे। अब इसको अच्छे से चला देंगे। एक लगातार चलाते रहेंगे। अब इसको थोड़ा पकने देंगे। दही पक जाने के बाद ऑयल जो है वो अच्छे से चारों तरफ से आ जाएगा मसाले पे, तो आप समझिएगा कि दही पक चुका है। ये देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, मसाला और दही अच्छे से भून चुका है। इसमें थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा थिक ग्रेवी रखना है, खाने में अच्छा लगेगा। ये देखिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, आपकी मर्जी है। अगर आपको पतला करना है ग्रेवी तो डाल सकते हैं, मुझे नहीं डालना था तो मैंने ऐसे ही बनाया है, देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे, अब इसमें डाल देंगे पनीर। देखिए फ्रेंड, ये हमारा अच्छे से बॉयल आ चुका है ग्रेवी में। अब यहाँ डाल देंगे हम लोग, ये फ्राई किया है पनीर, उसको डाल देंगे हम लोग, उसको डाल देंगे अच्छे से। अच्छे से चला देंगे, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा इसको पनीर को इसमें इसे ग्रेवी के साथ उसको पकने देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए। आप एक बार ज़रूर बना के अपना राय हमें दें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने अगर ट्राई किया है तो कैसी बनी है ये पनीर की सब्ज़ी। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड, हो गया सब्ज़ी हमारा रेडी पनीर का बन के, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी से फ्लेवर आ रही है इसकी। आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना स्वादिष्ट है। ये देखिए फ्रेंड, लीजिए फ्रेंड, आप सबके लिए रेडी है ढाबा स्टाइल पनीर की सब्ज़ी, घर पे मिनटों में बना के मैंने रेडी कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। मिलती हूँ एक नए चैनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।